गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं हमेशा तीन बार गुड इवनिंग कह रहा हूँ ना। एनीवेज, चलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का यूपीएससी 101 पे। मैं अभिषेक आप लोगों का स्वागत करता हूँ हिस्ट्री वाले अपने इस कार्यक्रम में, जहाँ पे हम एंशिएंट इंडिया की दुनिया को आगे लेके चल रहे हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट पहले आ जाओ, कम ऑन, बी ए पार्ट ऑफ दिस इवेंट, और जल्दी जल्दी चारों तरफ शेयर करो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चारों तरफ शेयर करो, फिर अपनी इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, अब थोड़ा सा उजाला काफ़ी अच्छा है, तो जल्दी से आगे बढ़िए और फटाफट शेयर करो चारों तरफ पहले। वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू हेयर, राइट? एंड नाउ वेन यू आर एक्चुअली, वी आर एक्चुअली एट द, वी हैव, वेन वी हैव एक्चुअली कवर्ड अ गुड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। अब इस मोड पे मैं बेसिकली एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से दैट वो लोग जो पहले से जुड़े हैं मेरे से, अब इस कहानी को एक अच्छे मोड पे खत्म जरूर करना, ठीक है। और दूसरी बात, जो नए लोग हैं, जो एंशिएंट इंडिया से जिन्होंने अपनी कहानी को शुरू किया है, उनके लिए तो भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। सो गाइस, स्वागत करता हूँ अभिषेक एज योर एडुकेटर, इंस्ट्रक्टर एंड मेंटर ऑन दिस ग्रैंड प्लेटफॉर्म ऑफ यूपीएससी 101, व्हिच इज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द impeccable and immaculate preparation of the civil services. I Abhishek, as your educator and mentor, welcome you all. आज मौर्य वंश का पार्ट टू हमारे सामने है। पिछले दिनों हमने मौर्य वंश को शुरू करने की कोशिश की थी, कुछ बातें हमने मौर्य वंश को लेके की थी, ठीक है। सो सबसे पहले आइए, ताकि हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकें, बी ए पार्ट। अभी मैं देखता हूँ कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है, एंड अभी तो बहुत कम ही लोग दिख रहे हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, कहाँ हो, कहाँ गायब हो? नेहा, मनदीप इज देयर, स्वाति इज देयर, एकता खान साहब दिख गए, आज तो लगता है कुछ होने वाला है। देन सेलू इज देयर, ऋषिकेश इज देयर, भावना, दीपक, अरविंद, सुरवीन, इंदु, शेलू, ऑल राइट, अरविंद, इंदु, नेहा, हीर इज देयर, हीर कैसी हो? हीर मेरे से बात करो, एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी यू टॉकिंग टूडे लाइक दिस इन द ग्रुप जब मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बात अभी का भी तुम ध्यान से सुन लो, ठीक है। ऑल राइट, दीपक, नेहा, शिवलीला, दीप, सपना, सुधाशिनी, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, अभी बहुत लोग दिख नहीं रहे हो, जल्दी जल्दी पहुंचो, फटाफट शेयर करो चारों तरफ इसे, प्लीज कर दिया करो, ये काम कर दिया करो, ठीक है। सो गाइस, मौर्य वंश पार्ट टू की कहानी हमारी शुरू होने वाली है। एंड बिफोर गेटिंग इन टू दैट, एक बात मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि आज से हिस्ट्री वाले जो एमसीक्यूज हैं वो स्पेशल क्लासेस पे, हिस्ट्री वाले जो एमसीक्यूज हैं वो स्पेशल क्लासेस पे शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। इफ यू कुड, इफ यू वुड हैव सीन दैट, ठीक है, हिस्ट्री वाले जो स्पेशल क्लासेस हैं वो, एमसीक्यू वाले स्पेशल क्लासेस वो मैं शुरू कर चुका हूँ आज से। आज 10:30 to 12:30 पहली क्लास थी इसकी, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा हो, कृपया, मैं कह रहा हूँ कि 10 सेट्स ऑफ एमसीक्यू मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ, जिसका पहला एपिसोड आज हमने शुरू किया है 2 घंटे का। इट वॉज एन अमेजिंग सेशन विथ ऑल ऑफ यू पीपल। सो प्लीज़, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भेड़ चाल वाली कहानी ना, अपने आप को तबाह करने वाले काम सब ना, जो तुम लोग ज़्यादा करते रहते हो वही सब करते रहो फिर। तो ऐसे ही नियम है ना जो मैं कहते रहता हूँ, ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेटली तैयारी करने वाले लोगों में से 90% को तो 3-4 साल लग ही जाते हैं ये समझने में कि करना क्या है, ठीक है। और मैंने वहाँ पे एमसीक्यू पढ़ाई के क्रम में बहुत ज़्यादा नहीं करवाया, बिकॉज उसका एक फुल फ्लेज्ड, एक फ्लो में चीज़ों को करना था। सो ये चीज़ शुरू हो चुकी है स्पेशल क्लासेस पे, ठीक है। आज पहली क्लास थी, जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया करके देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे वहाँ पे, ठीक है, ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रीवियस ईयर और अपने कुछ सैंपल क्वेश्चन दोनों मिक्स करके अप्रॉक्सीमेटली 250 क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, और डेफिनेटली ए बी सी डी ऐसे करके नहीं, इट विल बी अ थॉरो रिविजन ऑफ द हिस्ट्री थ्रू द एमसीक्यूज विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस। सो ये चीज प्लस कोर्स में भी हिस्ट्री खत्म होने वाली है, एंड अगेन वहाँ पे भी हम एनसीईआरटीज लेके आने वाले हैं, जो पहले यूट्यूब पे शुरू होगा फिर वहाँ पे शुरू होगा। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट, दिस इज माय एडुकेटर्स कोड AR101, जिसे अनअकैडमी पे अलग अलग फायदों के लिए आप उपयोग कर सकते हो। उपयोग करना या ना करना, आई नेवर से, इट शुड बी योर इंडिपेंडेंट डिसीजन, इट शुड बी बेस्ड ऑन योर कंसियसनेस। हाँ, ये बात है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो मेरी तरफ से एक मेंटरिंग आपको मिलती है, दैट्स विदाउट एनी डाउट, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर आगे बढ़े, अरे यार ये कैसे हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, ऑल राइट। मूविंग अहेड, अगर आगे बढ़े तो ये दैनिक जागरण वाला कार्यक्रम है, इसका भी हिस्सा बनिए, ठीक है। काफी
अच्छे तरीके से हम चीज़ों को करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बार बार बता रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली रोज़ 12 बजे, ठीक है, दोपहर में हम इसे करते हैं। और एक तरीका है जिसके अंतर्गत मैं ये बताने की तुम्हें कोशिश करता हूँ कि अखबारों को कैसे हैंडल करना है। अब ये एक और ऐसी बात है जो जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना टाइम और उतनी एनर्जी तुम्हारी बचेगी, कि भाई अखबारों के बिना अगर सिविल सर्विसेज आजकल इमेजिन कर रहे हो तुम, तो फिर मैं क्या हूँ, क्या ही कहूँ तुम्हारी मासूमियत को, ठीक है। मतलब नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर वो वाला अप्रोच अभी भी रखते हो ना कि नहीं 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 इसे एंड में बेसिकली एक वार्षिकांक या एनुअल इशू खरीद के पढ़ लेंगे, ये डैम वहाँ बना, वो पहाड़ वहाँ बना, तब तो भाई हो गए, तुम कर लिए सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो तुम्हारे पास सुमित सर का हिंदू वाला है, प्रशांत सर का इंडियन एक्सप्रेस है, मेरा दैनिक जागरण है, कोई भी एक अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। आप कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करो, दैट व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। ब्रेक मत किया करो और कुछ बातें सुना करो, दैट व्हाट एक्चुअली आई एम टेलिंग, ठीक है। कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंस की परीक्षाओं में मतलब 50-60% क्वेश्चंस, ठीक है, बिना करंट अफेयर्स के तुम लिख ही नहीं पाओगे। और वो रामचरितमानस और बाइबल लिख के आओगे ना तो उसे नंबर वंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सो ये एक बात थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी। उसके बाद ये बात तो हो ही गई। मूविंग अहेड, यू हैव, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अभिषेक _अनअकैडमी, इसका भी जुड़िए, इससे हिस्सा बनिए, सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। मोर देन दैट, तुम मेरे से कम्युनिकेट कर पाओगे रिगार्डिंग एनी ऑफ योर प्लानिंग एंड डाउट और क्वेरीज। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अभिषेक _अनअकैडमी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इससे आगे बढ़ने समय एक छोटी सी बात और, दैट ये फ्रीडम ऑफर जो है बेसिकली 5-18 अगस्त तक जो एक्सटेंडेड है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जो कॉम्बो प्राइसेस थी कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस की, ठीक है, वो 5-18 अगस्त इसके बीच में डेफिनेटली अगर कुछ करना चाहते हो, ठीक है, यू वॉन्ट टू कम ऑन द प्लस, आई एम देयर। कोई डाउट है कौन सा ले, एक साल का ले, दो साल का ले, अभी ले, नहीं ले, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, वॉट एवर, कैसे लोन मिलेगा, क्या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज हो सकती हैं, कैसे अवेल करना है, यार पूछो तो सही, क्या बैठे ख्याली पुलाव बिना मतलब के पकाते रहते हो, वो पुलाव जो अंत में खराब बनता है और फिर 6 महीने बाद पता चलता है, फिर एक पुलाव शुरू करते हो, फिर 6 महीने बाद वो पुलाव खराब बनता है, क्या कब तक करते रहोगे ये सब, ये इसका उपयोग करो। दुनिया में ना प्रकृति ने एक बहुत भयानक चीज तुम्हें दी है, विच इज मोर डेंजरस एंड लीथल देन एटम बॉम्ब, इसी ने सोच के एटम बॉम्ब बना दिया है, तो ये मत समझना एटम बॉम्ब इससे ज्यादा खतरनाक है, इसी ने सोच के सुपर कंप्यूटर बना दिया है, ये मत सोचना सुपर कंप्यूटर इससे ज्यादा तेज है, इस पर भरोसा करो, इसका उपयोग करना सीखो, ठीक है। मूविंग अहेड, चलिए मौर्य वंश की कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल वाली बात है, ये तो मैंने आपको बता ही दी। मौर्य एम्पायर 324-185 BC, कल मौर्य वंश के बारे में कुछ बातें हमने की थी, ठीक है, उसके बाद की कहानी को आज दोहराते हैं कि हाँ भाई मौर्य वंश से पहले मैंने कुछ इन्वेजन्स मध्य एशिया की तरफ से या यूरोप की तरफ से तुम्हें बताए थे। ये बताया था कि अलेक्जेंडर के आने से पहले भी कुछ आक्रमण यहाँ पे हो चुके थे, जिसमें हमने दारियस और साइरस जैसे शासकों का नाम देखा था, पर्शियन एम्पायर के थे, उसके बाद अलेक्जेंडर ने सबको कुचलते हुए अलेक्जेंडर आगे बढ़ा था, फिर हमने बैटल ऑफ हाइडिस्पस, ठीक है, की बात की थी, याद है ना हाइडिस्पस, फिर हमने अंबी और पोरस की बात की थी, पौरव नरेश की बातें की थी, यवनों की बातें की थी, ठीक है, अलेक्जेंडर की बातें की थी, और ये सारी कहानी के बाद बेसिकली अब हम मौर्य वंश के अंदर चलने वाले हैं। सो मौर्य वंश के पहले वो जो कहानियां होती हैं, सी दिस प्रोलिफिक इमेज, ठीक है, ये कुमराहर के फोर्ट के अवशेष हैं, कुमराहर वही फोर्ट है जिसके अवशेष आज भी पटना में हैं, ठीक है, लकड़ियों से बना भव्य इमारत, which used to be once the fort of the चंद्रगुप्त मौर्य, पटना में अभी भी इसके अवशेष रिमेन्स हैं, उसी की एक तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। लकड़ियों का बहुत भयानक उपयोग किया गया है घर के निर्माण में, दैट वॉज द चंद्रगुप्त मौर्य's फोर्ट, एंड सी दिस ग्रैंड इमेज, सी दिस gigantic, सी दिस अमेजिंग थिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। सो चलिए लेट्स गेट इनटू दिस, मौर्य एम्पायर की कहानी को हम शुरू करते हैं और अब हम शासकों की ओर चलते हैं। एक बार मैं देख लेना चाहता हूं, ठीक है, अभी नहीं आए हो सब, कब तक आओगे, 9 बजे तक आ जाओगे ना, आई होप 9 बजे तक आ जाओगे, ठीक है, कहाँ गए हो सब, वैदेही इज देयर, सोनाली, आशुतोष, मंदीप, शिवलीला, आशुतोष, मधु, हीर, देन यू हैव दिस, मिश्रा जी भी दिख गए, संध्या, भावना, मंदीप, ऑल राइट, हीर, क्यूट एंड स्वीट सर, ये क्यूट और स्वीट ना मुझे लगता है दुनिया का सबसे बदनाम शब्द है मुझे बड़े स्ट्रांगली फील, ठीक है, हर चीज़ स्वीट है, हर चीज़ क्यूट है, मिठाई भी स्वीट है, ठीक है,
पान भी स्वीट है, चीनी भी स्वीट है, चेहरा भी स्वीट है, बात भी स्वीट है, मौसम भी स्वीट है, हवा भी स्वीट है, पानी भी स्वीट है, एवरीथिंग इज स्वीट एज इफ लगता है 20th or 21st century में ना। और हर चीज क्यूट है, ये कुर्सी भी क्यूट है, ये पलंग भी क्यूट है, आसमान भी क्यूट है, वो मौसम कितना क्यूट है, ये समोसा कितना क्यूट है, ये नींबू कितना क्यूट है। मुझे लगता है कि इस क्यूट वर्ड ने दुनिया के सारे अदर आइडेंटिटीज को खत्म कर दिया है और ये स्वीट वर्ड ने दुनिया के सारे टेस्ट को खत्म कर दिया है। मतलब दो ही चीज 20th और 21st century में सिर्फ दिखती है, दैट इज आइदर क्यूट और स्वीट, बाकी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, गुड इवनिंग सुल्ताना का प्रणाम स्वीकार कीजिए। यस वैदेही सुल्ताना, कैसी हो? चलो ऑल राइट, ठीक है। फिर आज गायब हो, सब पता नहीं क्या होता है, कहाँ रहते हो, नहीं रहते हो, क्या करते हो, नहीं ऑलराइट। सो देखते हैं अब ये समस्या होती है या नहीं होती है। ऑलराइट, लेट मी चेक इट आउट, लेट मी चेक इट आउट। ऑलराइट, सो चलिए कृपया करके आ जाइए आप लोग जितने भी हैं, चलिए और कहानी को शुरू करते हैं। सो मौर्य वंश में अब हम एक्चुअली एंटर करने वाले हैं, ठीक है, मौर्य वंश में एक्चुअली एंटर करने वाले हैं। भाग के आ जाओ, तुम्हारे पागलपन का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक दिन दिखते हो सब, एक दिन हवा में रहते हो, बन गए तुम लोग सिविल सर्वेंट, हो गए तुम लोग, दिखाते हो कॉन्स्टेबलों वाली हरकत, इच्छाएं रखते हो सिविल सर्विसेज की, एक दिन दिखते हो, सात दिन नहीं दिखते हो, अचानक से लगने लगता है ओ माय गॉड अब तो बहुत हिस्ट्री पढ़ लिया, अब तो सीधा डीएम बन जाएंगे। तो बस करते रहो यही सब हरकतें, जनरली यही लोग करते ही हैं, वही तुम लोग भी करते हो, कहाँ गए वो सब। एक क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, तुम लोगों को आग लग जाती है, ठीक है, आग लग जाती है। और अपनी हरकतें देखते हो तुम लोग कि एक दिन पता नहीं सारे नजर आओगे और दूसरे दिन तबाही मचाओगे और सात दिन उसके बाद कहाँ, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, खत्म करो, फॉरगेट दिस थिंग, इन सब बातों के लिए कहना बोलना खत्म करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ तुम अपना काम करो। बेकार का सर फोड़ना क्या है, का बिना मतलब का कोई सेंस नहीं बनता ना इसका, ठीक है, कि मैं किसी को कोई बात कहे जा रहा हूँ और कोई फर्क पड़ता नहीं है उसके लिए। कहाँ गए वो तुम लोग यार, वेयर द हेल यू आर, कहाँ गए वो सब, डू हैव एनी आंसर, एनी आंसर कहाँ गायब है, क्यों 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 कहाँ गायब हो, जस्ट लेट मी डू दैट। सर पीसी बोलते हैं जल्दी और पागलपंती जरूरी है, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ फेवरेट वन, ठीक है, तो ठीक है जिद्दी और पागलपनी ही दिखाओ, बाकी के इमोशंस पीसी बोलते हैं तो पीसी से एक बार बात करना, और जिद बनो और पागल बनो, ठीक है, मतलब जिद्दी बनो और पागल बनो, ये दोनों अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ऐसा ही बनो, बाकी का दूसरे लोगों को बनने के लिए छोड़ दो ना, यू जस्ट बी जिद्दी एंड पागल, ठीक है, बाकी दूसरे लोगों को रहने के लिए छोड़ दो, ठीक है, बाकी दूसरे लोग बन जाएंगे, तुम दोनों ये बनने की कोशिश करना और फिर देखना कि ये दोनों बन के तुम्हें क्या अचीव होता है 5 साल बाद, जिद्दी और पागल, ठीक है। ऑल राइट, बड़ी अच्छी बात है। रश्मि, धर्मेंद्र, विशाल, ठीक है, सूरज, ज्योति, चलो ऑल राइट आ जाओ, ठीक है, ऑल राइट। बहुत सारी प्लस क्लासेस वगैरह चल रही है ना, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एनीवेज लीव दैट, मूविंग अहेड। मौर्य एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एम्पायर्स टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन इंडियन सॉयल। इसमें कहीं से कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि अमेरिका की है ये साम्राज्य। द वास्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द वैली ऑफ द ऑक्सस, ऑक्सस का नाम मैंने तुम्हें बताया था बेसिकली, ऑक्सस क्या था, वो अमूर दरिया, सियर दरिया, जो बेसिकली कजाकिस्तान वाले साइड में जो दो नदियां होती है, अगर ज्योग्राफी तुमने पढ़ा हो तो, वहां से लेके डेल्टा ऑफ कावेरी, कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, ठीक है, मतलब कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेके पूरा आपका कर्नाटक तक, ठीक है, इंक्लूडिंग द होल ऑफ द इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, दिस वॉज द स्ट्रेच ऑफ द मौर्य एम्पायर, ठीक है। और यहाँ से एक डेफिनेटली इतिहास में एक नया काल शुरू होता है, ठीक है, सबसे बृहत, सबसे ग्रैंड साम्राज्य की प्राचीन काल में अगर बात करते हैं तो वो कहानी शुरू होती है मौर्य वंश से, ठीक है,
ये कहानी शुरू होती है मौर्य वंश से। सो जल्दी जल्दी जब भी मैं साइड जा रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करना, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा मैं बोलने नहीं जा रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया करना, बिकॉज तुम्हारे कर्मों से मैं सही में कभी कभी सीरियसली परेशान रहता हूँ, और फिर मेरे को तब अच्छा लगता है चुप रहना रादर देन गिविंग यू बिना मतलब का एडवाइस एंड लूजिंग बिना मतलब की माई एनर्जी, ठीक है ना। सो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, छोड़ना हो तो छोड़ देना, ठीक है। कहीं और अच्छी चीज़ें अगर आपको इससे मिलती हो, गो टू दैट प्लेस, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रहने की, मन मर्जी आया करो, खा पी के सोया करो, ठीक है, जब टाइम मिले तो पढ़ लिया करो, और अंत में सोचा करो हमको DM बनना है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये लास्ट का स्टेटमेंट और इससे पहले के कर्म, दोनों में कोई कंपैरिजन देखते हो, ठीक है। सो गलती फिर इस लाइन की नहीं है ना, गलती तुम्हारे इमेजिनेशन की है, ठीक है। एनीवेज, सो ये कहानी तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर बाय चंद्रगुप्त मौर्य हु ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य, ये कहानी तो पता है तुम्हें, ठीक है, कि जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था तो उसके आक्रमण का एक नतीजा देखने को ये मिला था, ठीक है, कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज लाइक अ पॉलिटिकल कैओस, ठीक है। उससे डर तो जरूर गए थे अलेक्जेंडर, हालांकि पाटलिपुत्र तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन ठीक है, डर तो सबको लगता है, डर तो लगता ही, जिस तरीके से वो यूरोप से लेकर और सारा पर्शियन एम्पायर खत्म करते करते अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंच गया था, डर तो लगा था, घायल हुआ वापस गया, नहीं तो कहानी शायद बदल सकती थी। एनीवेज, उसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों ही नाम थे, जो एक बच्चे को ठीक है पाल पोसकर शास्त्रार्थों में निपुण कर रहे थे, उसे विद्वता दे रहे थे, दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी एक हल्की सी पुरानी है, कहानी ऐसी है कि धनरंद जो अंतिम नंद वंश का शासक था, उन्होंने चाणक्य के पिता को अपमानित किया था, जो एक बहुत ही असाधारण ठीक है बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान पुरुष थे और नैतिकता की पराकाष्ठा थे, मतलब उनकी जो मॉरल वैल्यूज थी वो बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं करना है और सोचते थे DM बन जाए, ये वाली नैतिकता नहीं रखते थे, सोचते थे कि बहुत कुछ करेंगे तो शायद कुछ अच्छा होगा, ताने मार रहा हूँ ना, बुरा लग रहा होगा, लगने तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। वैसे वाले में से नहीं थे कि बैठ के अनाज तोड़ना है, खटिया तोड़ना है, ख्याली पुलाव पकाना है और अंत में क्या सोचना है, एकदम IASM बनेंगे, वैसे वाले में से नहीं थे। ही वॉज लाइक अ वेरी वर्कहोलिक टाइप ऑफ पर्सन, हाईली लर्नेड इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक्चुअली उनका नाम चाणक्य था, ठीक है, उनका नाम चाणक्य था, तो ये नाम भी विरासत में इनको बोल इनके पुत्र चाणक्य को दे दिया जाता, अदरवाइज इज नोम इज द नेम ऑफ द सन इज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो बहुत अपमानित किया गया था, उनके पिता की मौत भी हो गई थी बेसिकली, ठीक है, अपमान की वजह से फाइनली मतलब हो गया था ये सब, और चाणक्य ने वहीं से बचपन में ही शपथ ली थी धनानंद से बदला लेने की, तक्षशिला विश्वविद्यालय में गया था, वहाँ पे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई की थी, वहाँ पे प्रधानाध्यापक बना था, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। और उसके बाद जब पढ़ लिख कर वापस हमने घर आया था, उसकी माँ भी मर चुकी थी, ठीक है, घर तबाह हो चुका था, बिल्कुल नामो निशान मिट गया था, एक बच्चे को वो गोद लेता है, उसे लेकर जाता है, फिर वापस तक्षशिला विश्वविद्यालय जाते हैं वो, जहाँ के वो प्रधानाचार्य बन चुके हैं और उसे पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, वही बालक बेसिकली अब आ चुका है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। वही अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय जो धनानंद, जो अत्यंत ही एक भ्रष्टाचारी और ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करने वाला राजा है, ठीक है, उसके अपने कूटनीति के तहत उसके राज्य में आग लगाता है, जो ऑलरेडी तबाह है अलेक्जेंडर के आक्रमण से, ठीक है, डड़ा सहमा है, और इसी कूटनीति के तहत धनानंद को समाप्त करके और चंद्रगुप्त मौर्य उस बालक को राजगद्दी पर बिठाया जाता है और अपने महामात्य की कुर्सी पर अर्थात प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं और संकलित करते हैं एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, जिसे बेसिकली विश्व इतिहास या फिर भारतीय साहित्य का, इंडियन लिटरेचर का तो एक मास्टरपीस माना ही जाता है इन द फील्ड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। वो चाणक्य द्वारा रचित एक किताब है जिसका नाम आप जानते हो अर्थशास्त्र, जिसका नाम सुनते हो आप क्या लिखा जाता है अर्थशास्त्र, मतलब होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन यह कोई इकोनॉमिक्स की किताब होती नहीं है, इट इज बेसिकली ए बुक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि किसी भी राजनीति को अगर आप समझते हो तो उसका एक हिस्सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आता ही है, बट दैट डजंट मीन दैट इज अ बुक ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो ये भारतीय राजनीति शास्त्र का एक रत्न माना जाता है, कंपाइल्ड बाय दिस चाणक्य, कौटिल्य और अर्थशास्त्र। और यही पे बात मैंने तुम्हें बार बार बताई है कि इस किताब का नाम लिया जाता है तो इसी के पैरेलल में एक किताब का नाम और लिया जाता है द प्रिंस, ठीक है, लिख लेना द प्रिंस।
एंशियंट यूरोपियन लिटरेचर है, ये प्राचीन यूरोपीय साहित्य है पॉलिटिकल साइंस पे ही, जिसके रचयिता थे मैकियावेली। मैकियावेली ठीक है। सो द प्रिंस, कहा एक क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र की तुलना किस विश्व साहित्य से की जाती है। किताब का नाम होता है प्रिंस और लेखक होते हैं मैकियावेली ठीक है। और ये हमारा किताब जो है चाणक्य वाला वो है अर्थशास्त्र। ये बातें सारी याद रखना और स्लाइड पे भी बेसिकली वही बात लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें बताई। हाँ, जो मैकियावेली बात है, मैकियावेली वाली बात है वो अलग से मैंने बताई है ठीक है। अब मौर्यंस के बारे में ना अलग अलग स्रोत हैं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सब कुछ दिख रहा है तो तबाह मुझे मत करना कि सर ये कट गया वो कट गया, और 7 दिन आना और फिर 3 दिन आराम करना, क्योंकि अचानक से 7 दिन में तुम्हें लगने लगेगा कि तुम बहुत बड़े इरफान हबीब या फिर रोमिला थापर हो गए हो ठीक है। तो ये कॉन्स्टेबलों वाली हरकत को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हो ना प्लीज़ कर दो ठीक है, अगर IAS बनने का सोच रहे हो तो राइट। एनीवेज, ओरिजिन्स ऑफ द मौर्यास के बारे में बहुत अलग अलग स्रोत हैं जो स्ट्रेट वे ठीक है। देखो मैं कहानी सुना के ना तुम्हें रोमांचित करने सिर्फ यहाँ पे नहीं आता हूँ ठीक है। मेरा जो कंटेंट है जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस धरती पर ठीक है, किसी के सामने भी। मैंने बार बार कहा हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सिकंदर हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ उस पर मुझे भरोसा है। यू कैन से इट माई आत्म भरोसा या मेरी मेरा आत्मज्ञान कह सकते हो आप ठीक है, माई स्ट्रांग कन्विक्शन। सो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई पर मैंने हमेशा ज़्यादा फोकस किया है, और वो एरिया जरूर तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाने की कोशिश की है कि भाई जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाद बाकी तुम्हें क्या मानना है नहीं मानना है तुम मानो यार ठीक है। मतलब जिस दिन सीरियसली तुम लोगों को देख के इरिटेशन होता है ना, उस दिन बात बात करने का मेरा मन तो करता नहीं है किसी भी तरीके से ठीक है। तो अलग अलग व्यूज है रिगार्डिंग द ओरिजिन्स ऑफ द मौर्यास, लेकिन जो सबसे कंसेंसुअल ओपिनियन है वो यही कहता है कि लोअर ट्राइब को बिलोंग करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, मोरिया ट्राइब। ये मोर पालने वाली एक समुदाय थी। देखो मैं बता देता हूँ एक एक करके, स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। बुद्धिस्ट सोर्सेज के अनुसार जो अलग अलग प्रकार के बौद्ध साहित्य मैंने तुम्हें बताए थे ना, अंगुत्तर निकाय, दिघ निकाय, जातक स्टोरीज ठीक है, त्रिपिटक और सारे बहुत सारे जो बौद्धिक साहित्य हैं बुद्ध साहित्य ठीक है, क्या कहते हैं उनके बारे में, दैट दे वेयर एक्चुअली अ क्षत्रिय क्लैन, वो क्षत्रिय वंश के लोग थे जो रहते थे गोरखपुर वाले क्षेत्र में यूपी के, गलत बात ठीक है, यहीं पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था ना ठीक है। सो ये ठीक है ग्रीक्स। अच्छा उसके बाद जैन साहित्य क्या कहता है, दे थिंक या दे लिंक चंद्रगुप्त टू मौर्या ट्राइब ऑफ द पीकॉक ट्रेनर्स, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड ओपिनियन यही है ठीक है। जैनों के द्वारा कहा गया कि भाई ये मौर्या ट्राइब को बिलोंग करते थे, जो बेसिकली एक लोअर ट्राइब था जो मोर पालने का काम करता था। प्राचीन जब हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं ना, तो मौर्यास के दौरान मोर को खाने की परंपरा भी कही के बारे में भी बात की गई है ठीक है। जब आर्ट एंड कल्चर में मेंस वाले पोर्शन पे आएंगे ना ठीक है, मेंस वाली एरिया से जो आप जंप करेंगे या हिस्ट्री को जब ऑप्शनल के स्तर पे आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आती हैं। मौर्य वंश के दौरान मोर को खाने का प्रचलन था ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है मोर को पालने वाला भी कोई रहा होगा, दैट वॉज बेसिकली द मौर्या ट्राइब ठीक है। इवन अशोक के राज रसोइये में भी ठीक है मोर को बनाने की परंपरा थी, मोर को खाने की परंपरा थी। सो दैट वॉज मौर्या ट्राइब, ये जैन साहित्य कहते हैं। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ये कहता है दैट ही वॉज बॉर्न ऑफ अ मुरा, मुरा एक महिला का नाम बताते हैं ब्राह्मणिकल लिटरेचर, शूद्र वुमेन थी इन द कोर्ट ऑफ द नंदाज, ये बात भी कही जाती है ठीक है, एक शूद्र महिला थी ठीक है जिससे जन्म हुआ था इसका। एनीवेज लोअर कास्ट के बारे में तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन भी कह रहा है ठीक है, जैन ट्रेडिशन, मौर्या ट्राइब, बुद्धिस्ट साहित्य इन्हें क्षत्रियास मानते हैं जो सबसे कम एक्सेप्टेबल ओपिनियन है। ग्रीक में आइए ठीक है, ग्रीक क्या कह रहे हैं, ये एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉटस कहते हैं, आगे में मैं बताऊंगा कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ही वॉज बॉर्न ऑफ अ हम्बल ओरिजिन, माने ठीक ठाक परिवार से, ऐसा भाई ग्रीक लिटरेचर में कहा गया है ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे तो मेघास्तिनीस भी आएंगे, इंडिका लिखा जाएगा ठीक है, तो उनमें ये बातें कही गई है दैट ही वॉज बॉर्न ऑफ अ हम्बल ओरिजिन, दिव्य बदन एंड वमस्त पक्षनी, दिस इज लाइक नथिंग बट द बुद्धिस्ट साहित्य। ये कहते हैं कि भाई दे आर द मेंबर्स ऑफ द मौर्या क्लैन, मौर्या क्लैन ये वाले वही वाली बात है। देन रोमिला थापर जो इतिहासकार हैं, वर्तमान की सबसे महान इतिहासकारों का नाम लिया जाए तो इरफान हबीब, रोमिला थापर ठीक है, सी इज बेसिकली द JNU के HOD हैं हिस्ट्री की ठीक है। चंद्रगुप्त बिलोंग टू द मौर्या ट्राइब, ये भी मौर्या ट्राइब। मुद्रा राक्षस ठीक है, आऊंगा बताऊंगा मैं ये कहानी कहाँ लिखी गई है ठीक है, कब लिखी गई है इस पर भी चर्चा होगी, अमेजिंग प्ले।
मौर्यंस वेर कनेक्टेड विद द नंदाज, नंदा से जुड़े हुए थे, मुद्रा राक्षस में ये बात कही गई है, ठीक है। और जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो स्तंभ, जो शिलालेख है, उस पर मौर्याज को वैश्य ओरिजिन का कहा गया है। सो कुल मिला के क्षत्रिया कहा गया है, ब्राह्मण नहीं कहा गया है, क्षत्रिया कहा गया है, लोअर ट्राइब कहा गया है। लेकिन कंसेंसुअली अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो ओपिनियन स्टैंड करता है, सबको दिमाग में रखना है यहाँ पे ना, बिना मतलब के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद मत बन जाना। अरे हमको पता है, कैसे पता है, कैसे पता है तुम्हें, बिना मतलब का कोई लाल पीला लूसेंट दुनिया जहान खोल के पढ़ लेना है और उसी को रटते रहना है, न जाने कब आकार बड़ा होगा शरीर का, नहीं मस्तिष्क का। सारी बातों को दिमाग में रखना है, जिन पे क्लैरिटी हमारी हिस्ट्री को नहीं है, ठीक है, उस पे क्लैरिटी मुझे और तुम्हें कैसे हो सकती है। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन, इन फ्रंट ऑफ दोज हिस्टोरियंस हु हैव प्रोड्यूस दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो सारे ओपिनियन को बोलना है, बताना है, और अंत में ये कहना है कि सबसे सर्वमत जिस ओपिनियन पर बनता है वो मौर्या ट्राइब लोअर ट्राइब, जो पीकॉक ट्रेनर्स थे उसको बिलोंग करते हैं वो। ये बात भी कही जाती है कि नंदाज के दौरान वो थे, लाइक ही वॉज द सन ऑफ ए शूद्र वोमेन, ये सारी बातें भी की जाती हैं। और ज़्यादा बेसिकली आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक सोर्सेज की बात करें कि जो मौर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बताती है, तो ठीक है भाई, अशोक के अभिलेख बहुत सारी बातें मौर्यंस के बारे में बताती हैं, जाना जाता है, अभी अशोक अभिलेखों की दुनिया के लिए जाने जाते हैं। कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद बेसिकली वॉर को तो उन्होंने खत्म कर ही दिया, ठीक है, और युद्ध घोषला को या भेरी घोषला को धम्म घोषला से इन्होंने, ठीक है, धम्म घोषला का रूप दिया। धम्म धमा जो बेसिकली द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द अशोका, ठीक है, दैट ही प्रोमोटेड, ही वॉज सो मच सब्जुगेटेड एंड सप्रेस्ड और डिमोरलाइज by the bloodshed that he actually experienced during the Kalinga war, ठीक है, he left the war and the warfare, और उसके बाद जो धम्म को विकसित किया इन्होंने, that was the basically the moral code of the code of conduct of the Ashok, और जिस प्रकार बुद्धिज्म को प्रोत्साहित किया इन्होंने, अपने बेटे बेटी सबको बेसिकली भेज दिया श्रीलंका तक, ठीक है। सो उनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से मौर्यास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दैट इज रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव एडिक्ट, और एक अशोका का स्तूप एडिक्ट भी तो हुआ करता था, स्तूपास, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव एडिक्ट, गुफा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, शिलालेख। एडिक्ट में क्या होता था कि भाई जब भी राजा बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता था महत्वपूर्ण, वो उसे इंस्क्रिप्शंस के रूप में चट्टानों पे लिखवा देता था, स्तंभों पे लिखवा देता था, ठीक है, स्तूपों पे लिखवा देता था। अशोक ने स्तूपास, स्तूपाज इंस्क्रिप्शन के लिए अशोक को जाना जाता है। मोर देन 50,000 ऑफ द स्तूपाज हैव बीन क्रिएटेड, हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय दिस पर्सन अशोका, और हर स्तूप किसी ना किसी बौद्ध भिक्षुक से संबंधित रहा था, बताऊंगा मैं उस पे आगे चलोगे तो, ठीक है। अब जैसे रॉक एडिक्ट ही है, तो रॉक में मेजर और माइनर दोनों आता है, थोड़ा सा समझ लेना, खाली पढ़ते रहते हो, माइनर रॉक एडिक्ट मेजर कुछ समझ में आता है कभी क्या होता है, ठीक है। सो रॉक एडिक्ट में भी बेसिकली मेजर और माइनर दोनों थे, पिलर एडिक्ट में भी मेजर और माइनर दोनों थे, केव इंस्क्रिप्शंस अपने आप में थे और एक स्तूपाज इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, जिसके लिए अशोक को सबसे ज्यादा याद रखा जाता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है एडिक्ट्स का, ठीक है। अशोकाज के इंस्क्रिप्शन में बेसिकली हर तरह की, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अशोक के इंस्क्रिप्शन में हर तरीके का उपयोग हुआ था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का भी उपयोग हुआ था, खरोष्ठी लिपि का भी उपयोग हुआ था, प्रकृत ये भाषा है, और अरमाइक, ठीक है, ये ग्रीक लिपि का भी उपयोग हुआ था, क्योंकि तुम देख रहे हो कि पर्शियंस भी आए हैं, पर ये मैंने कल ही बताया था तुम्हें, पर्शियंस खरोष्ठी लिपि लेके आए, ग्रीक अरमाइक लिपि लेके आए, और ये ब्राह्मी लिपि भारत की अपनी लिपि थी, जिस लिपि के अंतर्गत प्रकृत और पाली जैसी भाषाएं संस्कृत के बाद विकसित हो रही थी। सो अशोका के अभिलेखों में ये सारी लिपियों का उपयोग तुमको मिलता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मौर्यन पीरियड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकेम पॉसिबल ओनली आफ्टर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन एट सांची वाज डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है प्रोबेबली 2017 की 18 के एग्जाम में कि अशोका के ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, अशोका के नहीं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले डिकोड किसने किया था। साक्षात यूपीएससी के पीटी का एक आंसर तुम्हारे सामने है, बाय जेम्स प्रिंसेप। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए ये लोग हैं, इनके बारे में बहुत सारी चर्चा मैंने मॉडर्न इंडिया में पहले आपके की है, ठीक है। दैट जेम्स प्रिंसेप से लेकर और विलियम जोन्स तक ये पहले के लोग थे, उसके बाद आपके अलेक्जेंडर कनिंगम जैसे लोग जो पहले डायरेक्टर जनरल थे दिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। जिस तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन तुम्हें दिखाना चाहा कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले डिसिफर किसने किया था, दैट वॉज जेम्स प्रिंसेप इन 1837 AD, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ
लाइक दिस सॉरी ऑल्सो द मेंबर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया जेम्स प्रिंसप, इन्होंने डिसिफर किया था सांची स्तूप पर, जो ये देख रहे हैं ना सामने, यही है सांची स्तूप आपका, ठीक है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश वाला, उसी पे जो लिखा हुआ था ना उसी को डिसिफर डिकोड किया था जेम्स प्रिंसप ने, एज इट इज ये क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पीटी में, आते हैं, अब देख लेना 2017 या 18 में क्वेश्चन ला के दिखाई दूंगा, जो स्पेशल क्लास में मैं एमसीक्यू शुरू कर रहा हूँ, शुरू किया है मैंने आज से, उसमें मैं दिखाई दूंगा तुम्हें। सो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसी आपकी किस्मत है, दिख गई तो ठीक है, नहीं दिखी तो फिर वो भी ठीक है, कोई उपाय तो है नहीं, ठीक है। देन मूविंग अहेड, ठीक है, कुछ एडिक्ट्स की बातें की गई हैं अशोक की, ठीक है, अलग अलग एडिक्ट्स, दे वेयर लोकेटेड एट स्कोप डिफाइनिंग द नेचर एंड ब्रॉडर एप्लीकेशन ऑफ द धमा, ये धम की बात की गई है, ये क्या आ जा रहा है बीच में यार, 26 MB छोड़ो, ये धम की बात की जा रही है, चल भी नहीं रहा, ठीक है, धम की बातें की जा रही है, दे वेयर लोकेटेड एट, जैसे डिफाइनिंग द नेचर एंड द ब्रॉडर एप्लीकेशन ऑफ द धम, दे वेयर लोकेटेड एट कालसी, देहरादून में, गिरनार गुजरात में, यरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, मानसरी पाकिस्तान, सोपारा बॉम्बे, धौली एंड जौगढ़ इज उड़ीसा, एंड दिस शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान इन खरोष्टी, मतलब ये कुछ शिलालेखों की बात की गई है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, एज इट इज लिख लेना, ऐसे ही आता है एग्जाम में, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट मैंने बताए थे ना शिलालेख जो मेजर और माइनर थे, ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट के मैंने नाम दिए हैं, बस इतना ही पता होना चाहिए ना कि मानसेहरा जो है ना रॉक एडिक्ट अशोक का, वो पाकिस्तान में है, ये पता होना चाहिए, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, यहाँ के अभिलेखों में कौन सी लिपि का उपयोग हुआ, खरोष्ठी का होगा, कालसी, ठीक है, आगे मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि किस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, बट फॉर द टाइम बीइंग कम से कम ये जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं इनके बारे में जरूर लिख लेना, ठीक है, कि भाई इसमें क्या, ये कहाँ पे है, इतना पता होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहना इन चीजों का, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड देयर करेस्पॉन्डिंग मैसेजेस, ठीक है, किस रॉक एडिक्ट में क्या जानकारी मिलती है, अभी मैं नहीं हूं, फटाफट लिया कीजिए जल्दी से, ठीक है, और हिंदी वाले ना उछलने वाला काम मत करना, सर 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 हिंदी में नहीं है, फिर से वो हरकत मत दिखाना कॉन्स्टेबलों वाली, ठीक है, शांति से पढ़ना, अगर इतनी इंग्लिश भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर सिविल सर्विसेज बनने का ख्वाब तो छोड़ ही देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मूविंग, देखो जो रॉक एडिक्ट थे ना, मैंने बताया था रॉक एडिक्ट भी मेजर और माइनर दोनों थे, तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात की जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सा रॉक एडिक्ट बेसिकली क्या कहता है, किससे जानकारी क्या मिलती है, लाइक सी, ठीक है, जैसे रॉक एडिक्ट 1 है, ठीक है, प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, ओनली 2 पीकॉक्स एंड 1 डियर वर किल्ड इन अशोकाज किचन, देख रहे हो मोर वाली बात मैंने की थी, मोरिया ट्राइब, ठीक है, कि भाई एनिमल स्लॉटर को, पशुओं के वध को बहुत ज्यादा रोक लगाने की बात इस इंस्क्रिप्शन से, मेजर रॉक एडिक्ट पहले से पता चलता है, यह भी पता चलता है कि सिर्फ 2 मोर और 1 हिरन मरते थे अशोक के शाही किचन में हर दिन, ही विश्ड टू डिसकंटिन्यू दिस प्रैक्टिस ऑफ एनिमल स्लॉटर, ऐसा पता चलता है अशोक के रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट 1 से, ठीक है, एज इट इज पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। धम घोसला रिप्लेस्ड भेरी घोसला, चौथे रॉक एडिक्ट से पता चलता है, कलिंग वॉर के बाद धम, बोला था ना मैंने, धम घोसला रिप्लेस्ड भेरी घोसला, भेरी घोसला का मतलब वॉर ड्रम, जो नगाड़े नहीं बजते थे युद्ध के पहले, ठीक है, वॉरफेयर अशोक भूल जाता है, और धम, ठीक है, धम जो उसका बेसिकली अपना सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है, उसके प्रचार प्रसार में वो अपनी जिंदगी बिताता है, ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, सो वही बात कही जा रही है कि चौथे मेजर एडिक्ट से साफ पता चलता है कि अशोका के राजकीय प्रक्रियाओं में एक भयानक परिवर्तन हुआ था, दैट ही एक्चुअली फॉरगॉट द आइडिया ऑफ द वॉरफेयर एंड जंप्ड इनटू द रिलीजियस प्रोलिफरेशन, ठीक है, उसके बाद ये सब पढ़ना, याद करना कोई उपाय नहीं है, ठीक है, अशोकाज विक्ट्री ओवर कलिंग, ठीक है, ये किस रॉक एडिक्ट में पता चलता है, मेजर रॉक एडिक्ट में, देख लो 13वें में, ठीक है, 13वें रॉक एडिक्ट में पता चलता है कि भाई अशोक कलिंग विजय हुई थी उसकी, ठीक है, उसी के बाद तो उसने लड़ाई वड़ाई छोड़ी थी ना, ठीक है, 14वें से पता चलता है कि उसने देश के विभिन्न कोनों में अलग अलग प्रकार के अभिलेख अलग अलग लिपियों में पेश किए थे, सो एकदम अच्छे से इसका नोट्स बना लेना, ठीक है, जो मैं कंटेंट दे रहा हूं ना बेसिकली, ढूंढते ढूंढते ना बहुत समय बीत जाएगा, ट्रस्ट में, ठीक है, सो ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, इनको याद ही करना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है, और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में ये सब पूछे गए हैं, जैसे
नौवीं से क्या पता चलता है, एम्फेसिस ऑन धम्म एंड मोरल कंडक्ट, ठीक है, कि धम्म पर अशोक बहुत जोर देता था। आता हूं मैं धम्म पे, बट ये पता कहां से चलता है, 14वें रॉक एडिक्ट से, ठीक है। मेजर पिलर एडिक्ट पे आ जाओ, पिलर एडिक्ट वो तो रॉक एडिक्ट था ना, माइनर वाले को छोड़ देते हैं, मेजर वाला देखना जरूरी होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट्स बनाना इसका, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना। मेजर पिलर एडिक्ट सात है, नंबर में सात होते हैं, इनकी संख्या सात होती है। द कंटेंट्स ऑफ द मेजर रॉक पिलर एडिक्ट आर अपेंडिक्स टू द रॉक एडिक्ट, ठीक है। क्या कहां कहां के साथ, कौन कौन से हैं तुम्हारे सामने है, टोपरा पंजाब, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, अरेराज, ठीक है, बिहार में लौरिया, नंदनगढ़, ये भी बिहार में, बिहार में भी दोनों, रामपुरवा बिहार, ठीक है। ये बेसिकली हो जाते हैं तुम्हारे सात पिलर एडिक्ट। उसमें से एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, टू पिलर एडिक्ट, वन फ्रॉम टोपरा, ये टोपरा वाला पंजाब वाला, ठीक है, एंड अदर फ्रॉम मेरठ, दूसरा ये मेरठ वाला, इन दोनों को उठा के दिल्ली लेके आया था कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक उठा के लाया था दिल्ली दो मेजर पिलर एडिक्ट को, कौन सा, टोपरा वाला और मेरठ वाला, टोपरा मतलब पंजाब। न जाने कितने एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अशोक के स्तंभ अभिलेखों को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश मतलब किनका पुत्र, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो राजगद्दी पे बैठे थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, वही वाइज फूल जिन्होंने खतरनाक कारनामे को अंजाम दिया था, बताऊंगा मैं जब मेडिवल शुरू करेंगे तो। सो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रख लेना, मेजर पिलर एडिक्ट ये सात हो जाते हैं, 14 रॉक एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। माइनर पिलर एडिक्ट में भी एक दो की बात की गई है, जैसे बता दूं मैं तुम्हें, साइट ऑफ द माइनर पिलर एडिक्ट सात, इलाहाबाद, सांची, ठीक है, एंड देन दिस सारनाथ। देखो ये पिलर एडिक्ट ऐसा होता है, यही इसी पे लिखा होगा। अब मध्य भारत में है, मध्य भारत में है तो कौन सी लिपि का उपयोग होगा, ब्राह्मी, ठीक है, ये सांची का स्तूप है आपका, ठीक है, ब्राह्मी का उपयोग किया जाएगा, तो ये पिलर एडिक्ट है। ऐसा ही एक सारनाथ का पिलर है जिसका जो फोर हेडेड लाइन वाली ऊपर की इमेज है, ये यहां इसमें चार नहीं है, सारनाथ वाला जो पिलर एडिक्ट है ना, वो चार, फोर हेडेड लायन, चार होते हैं, तीन ही दिखता है लेकिन एक पीछे चौथा होता है, वही हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, समझ रहे हो ना, सारनाथ का पिलर एडिक्ट, सारनाथ का पिलर एडिक्ट अशोक का। अब तुम लोग सर पूरा खंभा, अभी पूरा खंभा नहीं, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला, इसमें एक ही लाइन तुम्हें दिख रहा है, उसमें चार लाइन होते हैं लाइक दिस, एक दो तीन और एक पीछे से होता है। नेशनल एम्बलम भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, पता है ना, भारत के भविष्य पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल राइट, माइनर पिलर एडिक्ट में दो तीन जगहों को याद रखना, सांची इज नोन, सारनाथ इज नोन, देन यू हैव दिस इलाहाबाद इज नोन। एक बात और कही जा रही है, दैट जो अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शंस थे ना, दे आर वेरी सिमिलर इन फॉर्म एंड स्टाइल टू द पर्शियन किंग दारियस। ये साइरस और दारियस याद है ना, अलेक्जेंडर से पहले घूम घाम के गए थे इधर से, उनसे काफी मिलता जुलता है। इनफैक्ट इवन द वर्ड्स लिपि एंड दीपि अकर इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ अशोका एंड दारियस। खैर कोई बात नहीं, याद रख लेना बस एक छोटी सी बात, कि जो दारियस, जो पर्शियन शासक जिसने आक्रमण नहीं किया था, ठीक है, अभी अलेक्जेंडर से पहले, उसके भी उसका भी ये हैबिट था, ठीक है, स्तंभ अभिलेखों का, ठीक है। सो अशोक के जो स्तंभ अभिलेख होते हैं उसी तरीके से, देखो यहाँ पे तो तस्वीर पे दिख रहा है ना, स्तंभ है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो भी अशोक कहना चाहता है, जो भी राजा कहना चाहता है, वही बात बताई जा रही है। मूविंग अहेड यू हैव अशोका, मैं ये बात कह रहा था तुम्हें पहले से ही, कि ही प्लेड ए मेजर रोल इन पॉपुलराइजिंग द स्तूप कल्ट। स्तूप देख रहे हो, ये स्तूप, 50,000 से अधिक स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था, और स्तूप का जो एक कल्ट है वो बेसिकली अशोक की ही देन है, और हर स्तूप किसी न किसी बौद्ध भिक्षु से किसी न किसी प्रकार जुड़ा हुआ होता था, उनके शरीर से या उनसे संबंधित कोई भी अवशेष वहां पे जरूर रखे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ही नॉट ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड द बुद्धाज रेलिक्स टू वेरी इंपॉर्टेंट टाउन, बट ऑल्सो ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपाज ओवर देम। इट इज रफली एस्टिमेटेड दैट ही बिल्ट अप्रोक्सीमेटली 84,000 स्तूपाज। बुद्ध के जीवन से संबंधित हर एक चीज को किसी न किसी स्तूप का हिस्सा बनाया ही गया है, और भी महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षुओं का लगभग 84,000 में, 50,000 से ज्यादा ही कह रहा था, स्तूपों के लिए, ठीक है, जो इंसान माना जाना जाता है धरती पर बेसिकली इज नन अदर देन बट दिस अशोक, ठीक है। बिल्कुल याद है, सोनाली, दीपक, अनुष्का, हितरानी, रवि, नंदनी, मनदीप, अनुष्का, सब ठीक है, ऑल राइट।
संधू साहब भी दिख गए आज क्या बात है। ठीक है राइट जी, सबसे ज़्यादा मत जैन वाली स्टेटमेंट पे है। यस अनुष्का ऑल राइट। ठीक है अभिषेक, क्या कर लोगे, क्यों नहीं आता है उनका बाजार से, हमको भी सुनना पड़ता है, आया करो दोस्तों टाइम पर। और अभिषेक गुस्सा गया, गुस्सा है मत यार, तुम लोगों को अगर मैं कुछ बोलता हूँ ठीक है तो तुम लोग को आग क्यों लग जाती है, मतलब क्या है क्या, तो ये अधिकार मुझे है कि नहीं कि मैं तुम लोगों को गलतियों के लिए कुछ टोक सकूं या रोक सकूं। Isn't it my responsibility? ये अधिकार मुझे है कि नहीं, साफ साफ कह दो, बोलने छोड़ दूंगा मैं। मिर्ची क्यों लगती है, ये मैं तुम्हें महसूस करने के लिए कहता हूं that you are doing something wrong। सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है क्या, सुनना पड़ता है, सुनो, ये अधिकार मुझे मिला है तो मैं इसका यूज, अगर कह दो कि नहीं सर हम पे मत बोला करो ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगता है, नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे, तुम एक बार बोल दो साफ साफ, किसके लिए कहता हूँ मैं, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में कामों की कमी है क्या, दुनिया तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ट्रस्ट मी, बट ये काम मुझे बहुत फैसिनेट करता है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों ने ये बात महसूस की होगी अगर तुम लोगों की आंखों में वो परसेप्शन है तो। ठीक है आज तक सुना है कि भूख से कोई इंसान मर गया हो, हर चीज से मरते हैं, सुनामी से मरते हैं, साइक्लोन से मरते हैं, आंधी तूफान, सांप काटने से, एटम बॉम्ब गिरने से, कभी सुना है कि आज तक कोई इंसान, ये इंसान भूख से मर गया था, कोई नहीं मरता। ऐसा कभी मत महसूस करना कि किसी की जिंदगी को तुम चला रहे हो या तुम्हारी जिंदगी को कोई और चला रहे, गलत बात है। ठीक है हर किसी की अपनी डेस्टिनी है और यकीन मानो ठीक है अपने ही तुम अपनी नियति को प्राप्त करोगे, ये फैक्ट है, पूरा हक है, एकदम मनु सही कह रही है तो पूरा हक है तो मैं इस हक का उपयोग करूंगा। अभिषेक गुस्सा गया था, मैं कह रहा था ये लोकनाथ जाएगा, देखिए ये लोकनाथ ना अगर सामने दिख जाता ना, ये लोकनाथ पानीगढ़ी, ठीक है मैं सही में कहता हूँ लोकनाथ तुम्हें थप्पड़ लगा देता, क्योंकि तुम चांद मतलब एकदम ना अमावस्या के चांद की तरह दिखते हो मुझे, 15 दिन पे 16 दिन पे कहाँ रहते हो भाई, तुम मजाक कर रखा है तुम लोगों, तुमने पढ़ाई को क्या, क्यों नहीं दिखते हो तुम मुझे बार बार। तुलसी कह रही है मुझे तो आपका डांट भी अच्छा लगता है, तुलसी तुम ये बात कह रही हो ना, अभिषेक का स्टेटमेंट देखो जरा ऊपर जाके, पता नहीं कहाँ है ये लोग, ये नहीं आते हो इनकी वजह से हमें भी सुनना पड़ता है। नहीं सुनाऊंगा मैं, तुम कह दो मेरे को अभिषेक के साथ, मेरे को मत बोलो, मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें। ऑल राइट ठीक है मूविंग अहेड। So, ये स्तूपा वाली बात हो गई, स्तूपा वाली बात से आगे बढ़ोगे तो केव पेंटिंग्स या केव आर्किटेक्चर या केव एडिक्ट, रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ लोमास ऋषि केव, वुडन आर्किटेक्चर हेरिटेज इन द बाराबरा हिल्स एंड द मैजेस्टिक धौली केव्स ऑफ ओडिशा। ठीक है रॉक स्कल्पचर ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द एलिफेंट इज मैग्निफिसेंट। ठीक है देखो रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत में एक ध्यान रखना, ठीक है ऐसे तुमने सुना होगा जनता एलोरा केव्स के बारे में, एलोरा केव्स में बेसिकली दैट शिवा का देखिए रॉक कट टेम्पल के बारे में सुना होगा, मैं बताऊंगा इन लोगों के बारे में कब कौन कैसे बने थे। ठीक है रॉक कट टेम्पल इज एन अमेजिंग थिंग, चट्टानों को काट के मंदिर बना दिया जाता था, चट्टान को काट कर ईंट मिट्टी से जोड़ के नहीं, दैट वॉज रॉक कट आर्किटेक्चर। ये मौर्यन पीरियड से ही इवॉल्व हुआ था, ये मौर्यन पीरियड से ही इवॉल्व हुआ था। उस कंटेक्स्ट में दो नाम लिए जा रहे हैं, बारबरा हिल्स, बराबर हिल्स ये बिहार का क्षेत्र है, और धौली केव ये उड़ीसा भुवनेश्वरम का क्षेत्र है। रॉक स्कल्पचर ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द एलिफेंट, मतलब वहां पे मौर्यंस के दौरान रॉक कट आर्किटेक्चर मंदिरों की ऐसी परंपरा जो शैल चट्टानों को काट के बनाई जाती थी ये विकसित होने लगी थी, और उसके लिए दो बराबर हिल्स ऑफ द बिहार एंड दिस धौली केव्स ऑफ द ओडिशा आर वेरी पॉपुलर। वही बातें की जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से डेवलप हुआ था। ये जो कुआं देख रहे हो ना वेल, ठीक है अमेरिकन तो हो नहीं, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अमेरिकन नहीं हो सकता है। गाँव में जो कुआं होता है, ठीक है कुआं, उसमें से जो पानी निकालते बाल्टी से रस्सी से, ठीक है खींच के, ठीक है बचपन में, इधर तो नहीं बचपन में मैं भी उस पर नहा चुका हूँ, इज एन अमेजिंग थिंग। ठीक है सो ये जो रिंग वेल कहते हैं इसे, रिंग वेल ये बेसिकली भारत की धरती पर सरजमीन पर मौर्यंस के दौरान ही ग्रो हुआ था। ठीक है दिस रिंग वेल फर्स्ट अपीयर्ड अंडर द मौर्यंस इन द गैंगेटिक प्लेन्स स्प्रेडेड बियॉन्ड द हार्ट ऑफ द एम्पायर, दे वुड सप्लाई वाटर टू द पीपल ऑफ फॉर डोमेस्टिक यूज, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द रिवर, दे ऑल्सो सर्व्ड एज द सोक पिट्स इन
कंजस्टेड सेटलमेंट्स, ठीक है, ये कुआं की बात की जा रही है, मौर्य पीरियड से ही शुरू हुआ था और भारत में फिर इसका विस्तार होता चला गया था। वेल, कुआं, रिंग वेल कहते हैं इसे, रिंग की तरह होता है ना, अब तो ये भरा हुआ है ना, ये गड्ढा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कुआं, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मूविंग अहेड, ठीक है, बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, लाइक दिस यू कैन सी दिस दिव्य वदन, अशोक वदन, सब बता चुका हूं मैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है, इनसे हमें बिंदुसार के बारे में, अशोक के एक्सपेडिशन के बारे में, तक्षशिला की तरफ चर्चा मिलती है। द श्रीलंकन टेक्स्ट, दैट इज दीप वंशा एंड महावंशा, समझ रहे हो ना, श्रीलंका मोस्ट एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि अशोक पर बुद्धिज्म किस तरीके से प्रभाव, अशोक को बुद्धिज्म ने किस तरीके से प्रभावित किया था कि अपने बेटा बेटी को, ठीक है, उसने भेज दिया था, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। सो इसलिए डेफिनेटली श्रीलंकन टेक्स्ट, श्रीलंका का जो सबसे एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दैट इज बेसिकली दिस दीप वंशा एंड महावंशा, बता चुका हूं मैं तुम लोग को बार बार, ये बुद्धिज्म पढ़ा रहा था मैं, तो वहां से भी बेसिकली अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, दैट इज बीइंग टोल्ड एक्चुअली, ठीक है। वंशत पक्षिणी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक 10th century AD मतलब आगे चल के एक कमेंट्री है, ठीक है, जो कंपाइल किया गया था, कमेंट्री ऑन चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी बातों पर बेसिकली एक साहित्य जिसका नाम याद रख लेना, वंशत पक्षिणी, अ कमेंट्री ऑन द डिबेट बिटवीन द चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य, आगे चल के 10th century AD वहां पे चलेंगे तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, जस्ट डोंट वरी, ठीक है, उसमें भी जानकारी मिलती है। दिन दिस ये कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनके से बेसिकली दीपवंशा, महावंशा, ठीक है, दिव्य बदन, महाबदन, वंशत पक्षिणी, ठीक है, इन सबसे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, दैट वॉट इज बेसिकली बींग टोल्ड, ठीक है। हेमचंद्र का नाम दिस इज आउटस्टैंडिंगली इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है, हेमचंद्र जैन मॉन्क, परिशिष्ट पर्व, पुस्तक का नाम परिशिष्ट पर्व, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्त, इतनी बातें बस पता होना चाहिए ना, परिशिष्ट पर्व किसने, हेमचंद्र ने, क्या बताता है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी देता है। सो ये बेसिकली कुछ बुद्ध, बौद्ध या जैन साहित्य हैं जिनसे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, विच आई एम एक्चुअली टेलिंग यू। मूविंग अहेड, वी हैव द अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य चाणक्य और विष्णुगुप्त, इस पे तो सारी बातें मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, इसमें मौर्य के बारे में जानकारी कैसे नहीं मिल सकती है। मुद्रा राक्षस बाई विशाख दत्त, ठीक है, आ गया इसका नाम, विशाख दत्त के बारे में चर्चा होगी, बट अभी बस मुद्रा राक्षस के बारे में ध्यान रखिएगा। डिस्क्राइब्स अबाउट द मैकिनेशंस ऑफ द चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्ता's एनिमीज, ठीक है, उस पर आधारित किताब है, इट वॉज रिटन इन 9th century BC, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, चंद्रगुप्त मौर्य का अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ जो लड़ी हुई जंग है, बेसिकली उसी पर आधारित एक पुस्तक है। मुद्रा राक्षस वन ऑफ द वेरी पॉपुलर प्लेज ड्रामा, बेसिकली विशाख दत्त ने लिखा था, उससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, दैट इज मुद्रा राक्षस बाई विशाख दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन सब चीजों से हमें बेसिकली जानकारी मिलती है। उसके बाद अदर लिटरेरी सोर्सेज मैंने तुम्हें एक साथ दिखा दिए हैं, इसलिए दिखा दिए हैं क्योंकि एग्जाम में देखना कितना आता है ये सब, ठीक है। कथा सरित सागर बाई सोमदेव, ठीक है, बृहत कथा मंजरी बाई क्षेमेंद्र, ये सब कश्मीर के पोएट हैं, ठीक है, आगे चल के आएंगे, ठीक है, बहुत आगे चल के आएंगे, मैं बताऊंगा जब आएंगे तब, कश्मीर वाले क्षेत्र के पोएट हैं सोमदेव, क्षेमेंद्र, ठीक है। दिन कामांदक बाई नितिशार, राजतरंगनी बाई कालहन, ये भी कश्मीर वाले क्षेत्र के हैं, ठीक है। देन कादंबरी बाई बाण भट्ट, ठीक है, ये तो जानते हो आप, हर्षवर्धन के समय के हैं, कोट पोएट, बाण भट्ट, हर्षचरित इन्होंने ही लिखा था कादंबरी, ठीक है, दिस बाण भट्ट, कोट पोएट ऑफ द हर्षवर्धन। देन दिस दश कुमार चरिता बाई डंडिन, ही वॉज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ग्रामेरियन, कल्प सूत्रा बाई भद्रबाहु, ये तो जैन टेक्स्ट है। इन सबसे जानकारी आपको मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में, ठीक है, जानकारी मिलना तो ठीक है, ऐसे ही एक एक शब्द ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, कांट यू सी दैट, बताओ मैं गलत हूं तो, कि भाई राजतरंगनी बाई कालहन, ये कालहन हुए, सोमदेव हुए, क्षेमेंद्र हुए, सब कश्मीरी क्षेत्र के, कश्मीर वाले क्षेत्र के पोएट हैं, आगे के हैं ये, 9th century 10th century जब आएंगे ना तो मैं बताऊंगा, मैं कश्मीर भी लेके तुम्हें चलूंगा मैं, ठीक है, करकोटा वंश की कहानी भी सुनाऊंगा तुम्हें मैं, कश्मीर वाली डायनेस्टी में जो सबसे पुराना वंश और सबसे पावरफुल वंश, करकोटा डायनेस्टी, उसकी भी बातें होंगी।
सो बाणभट्ट ये तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट हो जाते हैं. देन दिस दिस कल्प सूत्र भद्रबाहु और स्थूल भद्र का नाम तो तुम्हें पता ही है, श्वेतांबर एंड दिगंबर. सो इन सारी साहित्यों से पहले तो ये याद रखना कि कौन किसने लिखा हुआ है, ठीक है. दूसरी बात कि इन सब से मौर्यों के बारे में तुम्हें जानकारी मिलती है, ठीक है. मूविंग अहेड, मेगास्थीन, मेगास्थीन की भी चर्चा की जाती है. मेगास्थीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन था? एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर. सेल्यूकस निकेटर कौन था? एलेक्जेंडर का राजदूत, एलेक्जेंडर का सेनापति था. तो एलेक्जेंडर तो घायल होकर चला गया, छोड़ के किसको गया? सेल्यूकस निकेटर को, जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में खूंटा गाड़ के खड़ा था, ठीक है, कि भाई यहां से हिलेंगे नहीं, ठीक है. और उसके इरादे तब तक यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य साहब आ गए थे. तो उन्होंने अपना राजदूत भेजा, किसको भेजा? सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य हु स्टेड एट द पाटलिपुत्र. कौन? मेघास्थीन, ठीक है. ही रोट इंडिका, सबसे बड़ा शोध. मेघास्थीन ने क्या लिखा? इंडिका. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में वो आया था. डील्स विद द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मौर्यास, ठीक है. इन्होंने इंडियन सोसाइटी को सात, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है. देख लीजिए इनकी तस्वीर, ग्रीक इमेजेस जनरली ऐसी ही होती थी, ठीक है. सो सात जातियों में इन्होंने बांटा था. फिलोसफर्स, फार्मर्स, हर्ड्समैन, ट्रेडर्स, वॉरियर्स, ओवरसीयर्स एंड काउंसिल एंड असेसर्स. थोड़ा सा इसे गलत माना जाता है, ठीक है. लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन कितनी बार यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि मेघास्थीन इंडिका का जो लेखा, जो रचयिता थे, उन्होंने भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटा था, ठीक है. तो सात वर्ण याद रखिएगा, ठीक है. हालांकि इससे बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हो ये कैसा है. उस समय तो भारत में क्या होते थे? राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या क्या लिखे जा रहा है. ये किसान है, ठीक है, हर्ड्समैन, एनिमल डोमेस्टिकेशन करने वाले, फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, व्यापारी हैं, वॉरियर्स हैं, ओवरसीयर्स हैं, काउंसिलर्स हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें हैं. नहीं पहचान पाया था, विदेशी आदमी है यार, कहाँ से पहचान पाएगा, ठीक है. सो मेघास्थनीज के बारे में जरा ध्यान रखिएगा. मूविंग अहेड, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पे आ जाइए. हु ओवरथ्रू द नंदाद, सारी कहानी मैं इनकी बता चुका हूँ. अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, ग्रीक फिलोसोफर, ही वॉज ऑल्सो नोन एज सैंड्रो पैलीब्रोथम. पैलीब्रोथम बेसिकली जो पाटलिपुत्र के लिए यूज किया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, एंशियंट ग्रीक लिटरेचर में इन सैंड्रो कॉटस, पैलीब्रोथम. स्ट्रैबो कौन है? रूसो. स्ट्रैबो इज एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर. उन्होंने इनको क्या कहा है? पैलीब्रोथम, चंद्रगुप्त मौर्य. थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रखना, 324 या 21, दोनों है. 324 ही जनरली माना जाता है, 297 BC. अमेजिंग रूलर, सारी कहानी मैं इनके बारे में तुम्हें बता ही चुका हूं, ठीक है. विलियम जोन्स ने आइडेंटिफाई किया था दैट ग्रीक स्कॉलर्स ने इन्हें सैंड्रोकॉटस भी कहा था, ठीक है. अभी पैलीब्रोथम अगेन बाय द ग्रीक फिलोसोफर, दैट वाज व्हाट, स्ट्रैबो के द्वारा. और नाउ बाय द विलियम जोन्स इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ग्रीक स्कॉलर्स ने इन्हें सैंड्रोकॉटस भी कहा था. ग्रीक स्कॉलर्स समझ रहे हो ना, एलेक्जेंडर के आने की वजह से. और सेल्यूकस निकेटर तो बैठा ही हुआ है यमन, अनोखे अनोखे नाम, पैलीब्रोथम, सैंड्रोकॉटस, ठीक है. He liberated northwestern India from the thraldom of Seleucus Nicator. से मुक्त किया, who was ruling over the areas west of the Indus River. समझ रहे हो ना? इधर ही तो बैठा हुआ है Seleucus Nicator, सिंधु नदी के पश्चिम में इधर बैठा हुआ है. तो मुक्त करवाया गया. कहते हैं कि इन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है. Seleucus Nicator ने शादी कर ली थी, सॉरी, इन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है. हाँ ठीक है, हेलेना का नाम लिया जाता है probably. और ये बात, इस पर विवाद है, लेकिन ये बात कही जाती है कि भाई सेल्यूकस निकेटर और इनके बीच में एक संधि हुआ था, मैट्रिमोनियल अलायंस. उनकी जो बेटी थी हेलेना, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी. क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता है बिकॉज जाते जाते सेल्यूकस निकेटर वो सारा क्षेत्र, सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र, छोड़ के चला जाता है. बदले में उन्हें बहुत सारी हाथियाँ और घोड़े इनाम में मिलते हैं. ऐसा क्यों होगा? ठीक है, शादी हुई होगी, ये बात एक कही जाती है. लेकिन इसमें कंप्लीट, लाल पीली किताबों में जो तुम लोग पढ़ लेते हो ना, बहुत ज़्यादा कंप्लीट इस पर क्लैरिटी नहीं है. लेकिन हाँ, ये दिमाग में जरूर रखना है, सेल्यूकस निकेटर की डॉटर हेलेना, चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी हुई, ये मैट्रिमोनियल अलायंस. सेल्यूकस निकेटर चुपचाप हाथी घोड़ा लेकर चला गया और वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गांधार, कंबोज, वो सारा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश में मिल गया. ठीक है, वही बात कही जा रही है. सो जेड्रोसिया, साउथ बलूचिस्तान एंड पैरापोमिसाडियाई, एरिया ऑफ द गांधार, हेरात, काबुल, अफगानिस्तान टू हिम, रिटर्न फॉर द 500 एलिफेंट्स, 500 हाथी. वो ये सब ना ग्रीक नेम है, तकलीफ में मत आना. जेड्रोसिया, दिस इज पैरापोमिसाडियाई, ग्रीक नेम है. कुल मिला के क्षेत्र है हेरात, गांधार, काबुल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. 500 हाथियां लेकर सेल्यूकस निकेटर छोड़ के चलता बनता है, वही बात कही जा रही है. ठीक है,
और यहीं पे ये बात कही जाती है जो मैंने तुम्हें कहा, वो हेलेना वाली बात याद रखना, 500 हाथी ही नहीं, क्योंकि ये विवादास्पद मुद्दा है। तो कहीं कहीं ये देखने को मिलता है, जब आप ऑप्शनल पे लेवल पे पढ़ोगे ना हिस्ट्री को, तो ये बातें कही जाती है कि शायद सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी, द नेम ऑफ द डॉटर वॉज हेलेना, 500 हाथी वगैरह दे दिया गया था, वो चले गए थे। लेकिन शायद इस पर विवाद है, इसको ना तुम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मत बन जाना, ठीक है कि ना? ना मेरे को तो पता है, मैं कैसे पता है, ठीक है। एनीवेज चलो टाइम हो गया यार, सॉरी, भाग भी गए सब, चलिए चली जाइए, ऑल राइट, आज इतना ही रहने दो, मेरे को पता ही नहीं चल पाया, सॉरी फॉर दैट। जाते जाते इतना बता दूं मैं आप लोगों को कि इस ऑफर से संबंधित कोई भी बात आप लोगों को अगर पता करनी है, जैसे ये CSC अश्योर ही है, एक सेकंड, जैसे CSC अश्योर ही है, 2 साल या 2 साल से अधिक वाला सब्सक्रिप्शन है, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, 2 या 2 साल से अधिक वाला सब्सक्रिप्शन कोई लेते हो तुम, ठीक है, तो बेसिकली अनअकैडमी आपके साथ उसके आगे भी रहती है, दिस इज योर CSC अश्योर, जिसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तुम्हें तो। और ये जो फ्रीडम ऑफर है, फ्रीडम ऑफर जो 5 से 18 अगस्त तक तुम्हारे साथ है, इससे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना कि भाई कैसे ये लेते हैं, नहीं लेते हैं, कितनी इसकी प्राइसिंग है, ये सारी बातें हैं। 2 आपके पास सब्सक्रिप्शन के तरीके होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्राइसिंग की बात करें तो ये 44,550 होता है, ठीक है, और 67,050 ये होता है, कोड आप अप्लाई करते हो AR101 तो ये प्राइसिंग आती है। लेकिन अभी जो ये फ्रीडम ऑफर है, इसमें ये कॉम्बो ऑफर है, बेसिकली PT मेंस ऑप्शनल सब कुछ आपको मिलता है, इनके टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। सो इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज हो गए, ये तुम्हारा बेसिकली CSC अश्योर वाली बात हो गई, ये तुम्हारे टेस्ट सीरीज PT वाले हो गए, मेंस वाले हो गए, किताबें हो गई, सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो कोई भी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करना, और आज के लिए इतना ही। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अपने कमेंट वगैरह जरूर दे दिया करना, और प्लीज़ अपनी प्रेजेंस को थोड़ा सा इंटैक्ट रखना, कंसिस्टेंट रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।